हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है और गंभीर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने दांत का खुजली से मात्र एक दिन में निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ दोस्तों बाजू के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दांत का खुजली आज की डेट में दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी है, जिसका मेन कारण होता है दोस्तों आधे सूखे कपड़े पहनना, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे दांत खाज खुजली की समस्या बढ़ती है। और दोस्तों, यदि हम अपने फंगल इन्फेक्शन को ज़्यादा खुजलाते हैं तो दोस्तों हमारा फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये होता है दोस्तों, जब हमारी स्किन पर पसीना आने लगता है और दोस्तों उससे गंदगी बैठ जाती है और दोस्तों उसके कारण हम खुजली करने लगते हैं, तो दोस्तों उसके कारण भी हमारी दांत खाज खुजली की समस्या बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव और सुधर रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को आपको कैसे तैयार करना है। दोस्तों, पहले तो आपको ले लेना है सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल में दोस्तों कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि दोस्तों आपके दांत खाज खुजली से निजात दिलाता है, साथ ही साथ दोस्तों ये आपके दांत खाज खुजली के स्किन को रिपेयर भी करता है। तो दोस्तों, आपको एक चम्मच के बराबर सरसों का तेल ले लेना है कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों, जितनी मात्रा में मैं चीज ले रहा हूँ आपको भी उतनी मात्रा में चीज लेनी है। देखिए दोस्तों, मैंने ये ले ली है। अब दोस्तों आपको इसके अंदर दूसरी चीज जो ऐड करनी है वो है दोस्तों कपूर। दोस्तों, इसे मैंने ऑलरेडी क्रश कर लिया है, तो दोस्तों आप 4 से 5 कपूर क्रश करने के बाद ऐड कर लीजिए। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, मैंने ये ऐड कर लिया। अब दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, कुछ इस प्रकार से नजर आने लगेगा जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को आपको कब और कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, पहले तो आपको अपने दांत खाज खुजली वाले एरिया को गुनगुने पानी से धो लेना है। गुनगुने पानी से धोने से दोस्तों आपका ये फायदा होगा कि दोस्तों जितना भी गंदा बैक्टीरिया होगा वो दोस्तों दूर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इस नुस्खे को इस प्रकार से लगा लेना है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको इसे पूरी रात यूं ही लगे छोड़ देना है। जब दोस्तों आप इसे पूरी रात यूं ही लगे छोड़ देंगे तो दोस्तों अगले दिन आप देखेंगे आप अपने दांत खाज खुजली से मुक्त होने लगे हैं और दोस्तों आपके दांत खाज की प्रॉब्लम दूर होने लगी है। यदि दोस्तों अगर आप इस रेमेडी का 1 हफ्ते तक यूं ही यूज करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे आपके दांत खाज खुजली परमानेंटली रिमूव हो चुके हैं और दोस्तों आपकी स्किन पहले जैसी दिखाई देने लगी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपका कोई फ्रेंड्स इस परेशानी से जूझ रहा हो तो दोस्तों उन भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।